ये हमने यहाँ पे चार मछलियाँ ली हैं, इस तरीके से कट कर लें। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक, सॉल्ट टू टेस्ट, ये हमने चार चिलीज लिए जिसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है, और ये 1 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक और ये 1/2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं सरसों का तेल जो 1 टीस्पून डाला जाएगा, आप चाहे तो सादा तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये 1.5 लेमन का जूस। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये मछली को हमने ये लगा लिया है और इसे मैरिनेशन के लिए 1 आवर के लिए हम लोग इसको साइड में रख देंगे। अब हम ये फिश को 1 आवर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। रखा था ये इस तरीके से बन जाएगा आफ्टर 1 आवर। तो आप इस तरीके से इसके अंदर जो हमने कट किया था उधर मिर्ची इस तरीके से लगा लीजिए। इस तरीके से हम सारे मछलियों को इसके अंदर ऐसे मिर्ची लगा देंगे। अब हम इसमें राइस का फ्लावर ऐड करेंगे बिकॉज इस है ये थिक बनेगा और जूसी भी बन जाएगा। अब यहाँ पर हम हल्दी के पत्ते ले रहे हैं और इस मछली को हम इसमें रैप कर देंगे और टूथपिक लगा देंगे। इस तरीके से पत्तों को रख के लें। इस तरीके से हम इसे रैप कर देंगे। यही प्रोसीजर आगे तक कंटिन्यू करें। सबसे पहले पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और इसे 15 मिनट के लिए रख दें। मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक रख दें। 8 से 10 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर देंगे।
अब हमारी फिश बनके रेडी है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारी फिश पक गई है और ये इतनी टेस्टी लग रही है। तो ये हमारी टेस्टी एंड डिलीशियस फिश बनके रेडी है। तो आप भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।